इतनी देर से घोरावत रहे अब आई है। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आपकी गोद में इतना छोटा बच्चा का बताए किया, हमारे खेती की खेत के मेहड़ी पे पड़ा रहा है, अभी बच्चा भूख से तड़फ रहा है। बच्चा एक है, अगर तुम्हारे बच्चा हो बेटा एक ले लो। नहीं चाचा जी, ठीक कहते हो आप लोग, न जाने वो कैसी माँ है जो बच्चे को जन्म तो दे दिया लेकिन उसे पाल नहीं सकती है। बेटा, चाचा जी, बेटा तुम्हारा क्या नाम है बेटी? चाचा जी, बेटा मेरा नाम निर्मला है। कहाँ की रहने वाली हो बेटी? और मैं सिंगलपुर की रहने वाली हूँ। मैं तो एक क्लास टीचर हूँ, बच्चों को शिक्षा बांटने जाती हूँ। मैंने आपको देखा कि आपकी गोद में इतनी धूप में इतना छोटा बच्चा, इसलिए मैं आपसे पूछ ली। वैसे चाचा जी, बेटा क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ बेटी, मेरा नाम सुरजन किसान है। कहाँ के? और मैं श्यामपुर का रहने वाला। श्यामपुर? हाँ बेटी। चाचा जी, आप अपने इस बच्चे को क्या करोगे? बेटा, अब इस बच्चे को ऐसी हालत में हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस बच्चे को ले जाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, अपनी बुढ़ापा का सहारा बनाएंगे। बेटी, आपने इस बच्चे का नाम क्या रखा है चाचा जी? बेटी, दीपावली है, दीपावली के उपलक्ष्य में ये बच्चा हमको मिला है, तो इस बच्चे का नाम हमने दीपक रखा है। बेटा, दीपक नाम बहुत प्यारा है चाचा जी, इस बच्चे का नाम दीपक ही रखना। कभी इस बच्चे का नाम बदलना मत, इसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होने देना, आपकी बुढ़ापी का एक दिन सहारा बनेगा। हाँ बेटी, ठीक कहती हो, हम इस बच्चे को लेके जा रहे, नहीं ये बच्चा भूख से दम तोड़ देगा। बेटी, जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुम दोनों ने। जा मेरे मुन्ने, मुझे माफ कर देना, कितनी अभागन हूं मैं कि अपने बच्चे को अपना दूध भी ना पिला सके। कितने सपने सजोए थे मैंने कि एक दिन मेरी भी शादी होगी, वो अच्छा सा पति होगा, वो अच्छा सा घर होगा, लेकिन तुम दोनों ने मेरे पूरे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। और दिल के अरीमा आसमां में बह गए, दिल के अरीमा I'm not afraid to die।
जाता हूँ। हमारे अर्चनक बापू खेती तरफ गा है, अबे आए नहीं लौट के, चला उनके इंतजार करते हैं। कोई निर्दय देखिए बालक दया बहाए, कोई निर्दय देखिए बालक गया बहाए, दिल पत्थर लिया बनाए, इधर देखिए लाल है कितना प्यारा, इधर देखिए लाल है कितना प्यारा, अब पड़ा रो रहा था ये जंगल बेचारा, है ना जाने किस कैसे माँ बाप इसके, अर्थिया फेंक जंगल न सोचा बिचारा, हाँ प्रदीप की माई अपने खेत की मेहरी पे ये बच्चा इस तरीके खिलचिलाती धूप में पड़ा रो रहा था। मैंने सोचा इस बच्चे को अगर ऐसी हालत में यहाँ छोड़ देंगे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, इसलिए इस बच्चे को अपने साथ मैं लेकर आया हूँ। हमने सोचा है जिस तरीके से मेरा बड़ा बेटा प्रदीप है, ठीक इसी तरीके से ये छोटा बच्चा दीपक के नाम से जाना जाएगा। मेरे नाथ ये ऊपर वाले की माया, मेरे नाथ ये ऊपर वाले की माया, और मिला है तुम्हें नाथ जो कुछ जैसे कि मेरा बेटा प्रदीप सिंह है, जैसे कि मेरा बेटा प्रदीप सिंह है, और वैसे ही समझू न समझू पर आप प्रदीप की माई, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया इस नहीं। बच्चे को लेकर आए, बहुत अच्छा किया नाथ, लेकिन जो इस बच्चे को अपनी बिटिया अर्चना नहीं दिखाई पड़ी, कहाँ गई? अरे माँ। हाँ बिटिया। ये किसका बच्चा है? बिटिया ये तेरे बापू खेते कर रहे हैं ना, तू वहीं से लाए हैं। खेतों गए थे वहां से लाए? हाँ बिटिया। अरे बापू ये आपको खेत में कैसे मिला? अपनी खेती के मेले पे ये बच्चा पड़ा रो रहा है, इतनी तेज धूप थी, हमने सोचा इस तरीके से बच्चे को छोड़ देंगे तो ये बच्चा बेचारा भूख से और धूप में रहकर दम तोड़ देगा। अरे बापू आप कैसी बातें करते हैं, भला आजकल के जमाने में कहीं बच्चा पड़ा हुआ मिलता है? सही नहीं कह रही, हम जो कह रहे हैं वो सही है। हमारा ना मानो तो मुन्नी लाल कह रहा है इनसे पूछ। देखिए बाबू
सच सच बताना, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। मारेगा नहीं ना, हम बंजे जा रहे हैं खेते खेते में, जैसे पहुंचे वहाँ मेड़ी के किनारे झाड़े में पड़ा रहा। सही कहता। अरे बाबू जरा ये तो सोचिए, आजकल के जमाने में कहीं बच्चा पड़ा हुआ मिलता है? अरे बच्ची इस जमाने में का न हो जाए, एक है कुछ जाने वाला नहीं। आप सच सच बताइए, कहीं ये बच्चा आप चुरा कर तो नहीं लाए? नहीं बिटिया, ये बच्चे चुरा के नहीं लाए, अपने मुन्नी लाल से हमने कहा आवाज लगा दे बिटवा, जेकर बच्चा है आके अपना बच्चा ले जाए, लेकिन बच्चे वहाँ कोई नहीं आवा। मैं कुछ नहीं जानती, आने दो भैया को, मैं भैया से बताऊंगी कि बाबू बच्चा चुरा कर लाए। अरे भैया क्या हो गया? देखिए ना बाबू बच्चा चुरा कर लाए। क्या बापू बच्चा चुरा के ले? जी हाँ बापू। बिटवा आप बच्चा चुरा के ले? नहीं बच्चा, हम बच्चा चुरा के नहीं लाए बेटा। फिर क्या मिला बापू? ये अपनी खेत की मेड़ पर पड़ा रहा है, तेज धूप थी, उसमें धूप में बच्चा चिलचिला रो रहा था। मैंने इस बच्चे पर तरस खा के मैंने सोचा अगर इस बच्चे को मैं यहाँ पर छोड़ जाऊंगा तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मुन्नी लाल से हमने कहा मुन्नी लाल आवाज लगा दो, जिसका बच्चा हो आके ले जाए। बेटा वहाँ कोई नहीं आया, अब तुम ही बताओ बेटा इस बच्चे को ऐसी हालत में हम वहाँ कैसे छोड़ दें? छोटू क्या बापू सच कह रहे हैं? काका एकदम सही कह रहे हैं, वहाँ खेते में जंगल में मेड़ी किनारे पड़ा रहा, हम कहा काका उठा ले, पता नहीं कोई के ले लिखा है। ऐसे भैया बापू के बातों से तो लगता है बापू सच बोल रहे हैं। यही तो मैं सोचता हूँ कि आज तक हमारे बापू ने चोरी कभी नहीं की। हाँ भैया बापू आपने बहुत अच्छा किया, अगर ये वही धूप में पड़ा रहता तो इसकी जान चली जाती। तोड़ देता बेटा, मर जाता। क्यों नहीं बापू? बापू बेटा आप जाइए खेतों की तरफ। हाँ बेटा हम खेतों की तरफ जा रहे हैं, वहां नुकसान होगा। हम कागी ये बबुआ का दूध दूध पिया तब जो मन जाए खेतेगा। इधर दूध लाने जाऊंगा मैं, तब दूध पिलाएगी ना। हाय काकी के दूध नहीं होता। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और काय अर्चना तो अभी तक स्कूल नहीं गई? नहीं भैया आज छुट्टी है। क्या छुट्टी है? हाँ। मैं जाता हूँ बाजार, इस मुन्ने के लिए दूध लेकर के आता हूँ, और तुम और अर्चना इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना माँ। बहुत अच्छी बात है, मैं चलता हूँ माँ, बहुत जल्दी दूध लेकर के आता हूँ इसके लिए। अरे बच्चा तो काफी प्यारा है, बहुत सुंदर है ये अर्चना। क्या बात है? देख तेरे बड़े भैया और आज से तेरे दो भाई हो गए। हाँ भैया माँ हाँ। अभी तक मैं अपने बड़े भैया के कलाई में राखी बांधती थी, हाँ। अब आज से मैं अपने दो भाइयों के कलाई में राखी बांधूंगी। अच्छा चल इसी खुशी में हम एक सोहर गाते हैं भगवान की खुशी में। अर्जन में किसान कन्हाई हो, अर्जन में किसान कन्हाई हो, लाओ कुसुम किसानी हो।
दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस तमाशे में श्यामपुर के रहने वाले सुरजन किसान से मिल चुके हैं और उनके परिवार से भी मिल चुके हैं और सिंगलपुर की रहने वाली उस क्लास टीचर निर्मला से भी मिल चुके हैं। और आइएगा दोस्तों, अब आइए चलते हैं सिंहपुर गांव की तरफ, मिलते हैं वहां के रहने वाले ठाकुर गजराज और नागराज से, जो अपनी हवेली पर बैठे हैं, अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं, आप लोग इस रंग मंच पर देखिएगा। धन्यवाद। नागराज की यह जयकारा किस बात का लगाया जा रहा है? जयकारा इस बात के लिए लगा रहे हैं मालिक कि आप आ जाते हैं तो हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। हमारे लोगों के लिए आ गए तो समझो भगवान आ गए। हम भगवान है कर है। हम ठाकुर है ठाकुर नागराज कहां पर? अरे बता इनके ठोको, जयकारा किसका लगाया जाता है? बड़े ठाकुर, आज हवा ने मारा कि तबाही मचा दिया, इसलिए हम शॉर्टकट में बताते हैं। जयकारा प्रधानमंत्रियों का लगता है, जयकारा विधायकों का लगता है, जयकारा योगी और मोदी का लगता है। हम लोगों के नाम की पूजा होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ पूजा। आज के बाद तुम्हारी पूजा होगी, धूप अगरबत्ती सुलगाएंगे, पूजा की थाली सजा के आरती उतारेंगे, कहेंगे जय ठाकुर बाबा की। साले ठाकुर बाबा है। अरे यानी हम लोगों के नाम के माला जपना चाहिए हर घड़ी। ठाकुर बाबा ने साला ठाकुर बाबा बोलता है। अरे बाबा का मतलब मालिक, कहने का मतलब कि हम लोगों से आप बड़े हैं, तो बड़े लोगों को चाहे दादा कहो चाहे बाबा कहो, दादा कहोगे तो बातेगी, दादा कहोगे तो बातेगी। अरे दादा बाबा छोड़ साले, ये बता श्यामपुर सिंगलपुर और सिंहपुर में कोई हमारे लोगों के खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता है? हाँ ये तरह की बात करो तो ठीक है बाबू, सिंगलपुर में श्यामपुर में आपके खिलाफ कोई काना फुसकी नहीं करता, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकालता, आपके खिलाफ कोई नजरे नहीं उठाता। जो कोई नजरे उठाएगा, जो कोई काना फुसकी करेगा, वो बेमौत मारा जाएगा। किसकी मजल है जो गजराज और नागराज की तरफ नजरें उठा कर देखेंगे? कोई नहीं देखेगा, इलाके में आपका दबदबा है। नागराज कहां बने थे ये बताओ। अरे हमने जो वो क्लास टीचर निर्मले के साथ ऐसे आराम किए थे, वो तुम्हें कहीं दिखी है क्या? कहीं आप उस निर्मलिया की बात तो नहीं करते जो बच्चों को शिक्षा पढ़ती थी? हम उसी निर्मलिया की बात करते हैं ना, जिसके साथ हम लोगों ने लपचिक लपचिक किया था। हाँ उसी निर्मलिया की बात। भले ठाकुर वो तो ससुरी मर गई, आज तक हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं पड़ी, और इनसे भी पूछ लो कि इनको कहीं दिखाई पड़ी है? काहे मलिले लगा हमको तो दिखाई नहीं पड़ी, हो सकता है जिंदा हो, चुप गली गली घूम घूम तुम लोगों का नाम बदनाम करती हो। भले ठाकुर
ये मुन्नी ललवा बिल्कुल ठीक कहता है। हम लोगों ने जिसके जिसके साथ जो कुछ किया, जो टांडो किया, सबूत को कभी छाड़ा नहीं, लेकिन वे सारी निर्बलिया हम लोगों के हाथों से बच गई थी। अरे मर गई होगी साली, अरे कहा जाएगी और कहा अपना मुखड़ा दिखाएगी। वही तो साली, किसी कुएं ताल में गिरकर मर गई होगी। ठीक है, उसका मर जाना ही बेहतर है नागराज। बिना शादी हुए एक बच्चे की माँ बन गई साली, कहा